सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा उर्फ सैम पित्रोदा बरसों से अमेरिका में रहते हैं। राहुल गांधी के पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बड़े करीबी थे और अभी भी जो है जो ओवरसीज कांग्रेस वगैरह है उसका काम वो देखते हैं और माना जाता है कि कांग्रेस के थिंक टैंक का अहम हिस्सा है। अच्छा, ये कुछ ना कुछ हर बार कुछ ऐसा बयान देते हैं, जैसे पहले इन्होंने कहा था कि देश कहाँ चला गया, राम मंदिर, मंदिरों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मंदिरों में जा रहे हैं, हमारे देश को कहाँ ले जा रहे हैं, विवाद हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका के अंदर जो है इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, सब कोई व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है किसी की तो उसकी संपत्ति पर एक कर लगाया जाता है और उसके वारिसों को पूरी संपत्ति नहीं आधी संपत्ति मिलती है, आधी संपत्ति जो है वो स्टेट रख लेती है, सरकार रख लेती है। ऐसे ये भी इन पर ऐसी बातों पर विचार होना चाहिए भारत के अंदर। फिर विवाद हुआ, अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दोनों बयानों से अपना किनारा किया। अब चुनाव में तीसरी बार बोले सैम पित्रोदा, आज ही बोले, अब क्या बोले? अब सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा देश है, हमने इतने सालों तक इसको पिरो करके रखा, एक रखा, इतनी विविधता। जहां पर आप दक्षिण में जाइए तो लोगों का रंग काला है, वो अफ्रीकियों जैसे दिखते हैं, उत्तर पूर्व में जाइए तो वहां के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरबियों जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों जैसे दिखते हैं। अब वो जाने क्या कहना चाह रहे थे, विविधता को समझाने का उनका क्या तरीका था। जो भी था, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत पकड़ा और अभी अभी उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया एक सभा के अंदर और सीधा पूछा है शहजादे, मतलब राहुल गांधी ना, क्योंकि शहजादे ही बोलते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, शहजादे जवाब दो, तुम्हारे गुरु क्या कह रहे हैं, भारत में रहने वाले लोगों के, भारतवासियों के रंग पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, ये शर्मनाक बयान क्यों दिया है। और मजे की बात ये, कांग्रेस ने एक बार फिर अपने आप को सैम पित्रोदा से अलग कर लिया, लेकिन अलग करना इतना आसान नहीं है। सैम पित्रोदा क्या है कांग्रेस में ये सब जानते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये बिल्कुल भी हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है जो बात सैम पित्रोदा कह रहे हैं, लेकिन आप पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने कैसे जवाब दिया और जवाब मांगा है कांग्रेस से कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं, ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं, मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहाँ काम कर रहा है इनका, ये देश को कहाँ ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं? शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा।
चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। वी कुड होल्ड कंट्री टुगेदर एज डाइवर्स एज इंडिया, वेयर पीपल ऑन ईस्ट लुक लाइक चाइनीज, पीपल ऑन वेस्ट लुक लाइक अरब, पीपल ऑन नॉर्थ लुक लाइक यू नो मे बी वाइट, एंड पीपल इन साउथ लुक लाइक अफ्रीका। डजंट मैटर, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वी ऑल रिस्पेक्ट डिफरेंट लैंग्वेज, वी ऑल रिस्पेक्ट डिफरेंट रिलीजन। चलो एक तो ये कहां से अरब जैसा दिखता है भाई, कहां से झटकन आदमी को ले आया है? उनके उन्होंने कर दी टिप्पणी, इनके ऊपर नहीं पर्सनल टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बताइए, इतना बेहुदा, इतनी बेहुदगी भरा बयान, इतना निपट मूर्ख जैसा बयान, इनका शब्द मैं ले रहा हूं, इतना गंवार जैसी भाषा, हमारा पश्चिम भारत का लोग अरब जैसा कहां से दिखता है भाई? और ये थ्योरी कब का है आपको मालूम है? मैं फिर आपको एक बात बताता हूं, मुझे लगता है कि वो किसी थ्योरी के बिहाफ पर नहीं 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 मैं बताता हूं नहीं मैं आपको बताता हूं जब कांग्रेस की सरकार थी 93 में, तो ये थ्योरी आई थी कि इंडिजिनस लोग कौन है इस देश के रहने वाले, तो पूरा चर्च के रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन में जाकर के एक केस फाइल किया था, और तब जाके प्रणव मुखर्जी को ये उन्होंने यहां से भारत सरकार ने अपना एफिडेविट फाइल किया था कि भारत के लोग चाहे जिसका जित कोई भी रंग हो, हम सब भारतीय हैं और सब हम इंडिजिनस हैं, मूल निवासी की संकल्पना आर्यन द्रविड़ियन, ये हमारा अंग्रेजों ने कॉलोनियल मास्टर्स ने दिया था, और ये आर्यन इन्वेजन की थ्योरी इन कॉलोनियल मास्टरों ने ये गंदगी श्रीलंका के लिए भी थ्योरी लाया था, और मैक्स मुलर के समय ही थ्योरी अंबेडकर साहब ने इसको खत्म कर दिया था। इनसे कोई पूछे कि आप जरा बताओ कि तो इसका मतलब जो है, सोनिया गांधी के से तो इटालियन यहां आ गया। नहीं, सोनिया जी तो है ही इटालियन, उसमें इटालियन है ना, उसमें कोई तो वो नहीं दिखने उनकी वंश परंपरा से निकले हुए आदमी कौन होंगे भाई? नहीं, मैं कह रहा हूं सर, क्या ये तो लूज कैनन है, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस पार्टी लूज कैनन, ये चेक करें कि ये किसके बिहाफ में बैटिंग कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के टेक्नोलॉजी मिशन के सलाहकार थे, तो तब जाने क्या करते होंगे, आजकल तो यही करते हैं, समझे कि नहीं? कांग्रेस का भट्टा बैठाते हैं आजकल तो यही करते हैं। उस समय राजीव गांधी जब हैदराबाद में गए थे, कांग्रेस के बचा नहीं रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या ये व्यक्ति, एक सेकंड, उस समय राजीव गांधी जब हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने गए थे, तब उन्होंने कहा था कि यदि कांग्रेस पार्टी यहां आएगी तो बाइबिल के अनुसार शासन चलाया जाएगा, और बड़ा उस समय डिबेट हुआ था। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जींस और टी शर्ट में एक बड़ा पॉपुलर राजीव गांधी की एक तस्वीर जो है वो उस समय वायरल तो नहीं शब्द बोलेंगे, उस समय काफी प्रचलित हुई, छपी थी अखबारों में। तो ये कहां की मानसिकता लेकर? मैं सर केवल इतना कह रहा हूं, ये विषय कांग्रेस का है कि इनसे पूछे भाई तुम क्या चाहते, क्या हो तुम अभी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो या नहीं हो? नहीं, बार बार ऐसे काम क्यों कर रहे हो? जितनी बार मुंह खोलते हैं कांग्रेस का कुछ वोट कम हो जाता है, सिंपल। लेकिन क्या ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि इनकी बात को गंभीरता से लिया जाए? देखिए सौरभ जी, मुझे लग रहा है कि अब आप या तो भोलापन दिखाना चाह रहे हैं या आप कांग्रेस को कवर फायर दे रहे हैं। कांग्रेस को नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं, आप कांग्रेस को कवर फायर दे रहे हैं। राहुल गांधी सैम पित्रोदा जी से ही सलाह लेते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की पिछले 10 वर्षों की मीटिंग, उसमें जो सत्यनारायण गंगाराम जी राहुल गांधी को लेकर जहां जहां जाते हैं और राहुल गांधी के श्रीमुख से भारत को लेकर, भारत के लोकतंत्र को लेकर, हिंदू को लेकर, भारतीय विविधता को लेकर, जिस तरह भारतीय संस्कृति को लेकर जिस तरह के बयान आते हैं, उसके बाद आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक लूज कैनन है, अलग से कुछ बोल देते हैं? राहुल गांधी बोलते ही वही हैं जो उनके दिमाग में आता है। और कई बार हम कहते हैं ना, मान लीजिए हमारी संगत हो जाए, हम रोज जो है चौराहे पे जिसको कहते हैं ना कि खाली आवारा गर्दी करते घूमते रहें, तो उन लोगों के साथ रहें जो दिन भर गाली देते हैं, दिन भर मारपीट करते हैं, तो हम किसी दिन तो घर में बोली जाएंगे भाई, गाली मुंह से निकल जाएगी, मारपीट कर जाएंगे। ये मूल चरित्र है, और अगर ये मूल चरित्र नहीं होता तो आप जरा सोचिए, कल्पना कोई कर सकता है कि देश में कोई आज तक बड़ा से बड़ा विद्वान कोई एकेडमिक डिबेट में भी नहीं कह पाया
कि भारत में अरब जैसे दिखते हैं, अफ्रीका जैसे दिखते हैं, कह रहा हूं सर, फलाना दिखते हैं। मूर्खतापूर्ण बयान है, मूर्खतापूर्ण नहीं है। हाँ। ये इनके दिमाग में बसा हुआ है। राहुल गांधी जब जाकर कहते हैं कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है और उस यूनियन ऑफ स्टेट्स को यूरोप के यूनियन ऑफ नेशन से जोड़कर वो देखते हैं, ये मूल समझ की समस्या है। राहुल गांधी इस देश के साथ रिलेट नहीं करते, भारत भूमि के साथ उनका कोई वास्ता नहीं दिखता। सैम पित्रोदा के बयान से राहुल गांधी की रिलेट नहीं करते देश। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं अभी। राहुल गांधी ने जाकर किस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या कहां बोला था, वहां बोला था ना कि ये तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बोला था ये राज्यों का संघ है, ये कोई देश है ही नहीं है। उनको क्या पता कि विष्णु पुराण में लिखा है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संति। उनको क्या लेना देना है, उनको तो सब 1947 15 अगस्त के बाद का याद है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं इस देश से अंग्रेज चले गए लेकिन तो कई अंग्रेजों को छोड़ गए। अब जरा ये बात कर ले, सैम पित्रोदा चीज क्या है? सैम पित्रोदा जैसे कि माना जाता है कि वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं और राहुल गांधी बहुत सारी बातों पर उससे कंसल्ट करते हैं, ये फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। और उसके बाद अगर इस तरह की बातें सैम पित्रोदा करते हैं तो वो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हैं। अपनी हर बात से जब भी उन्होंने मुंह खोला है इन सारे चुनावों में, उन्होंने कांग्रेस को एकदम जो है मुश्किल में डाल दिया है कि उसका जवाब क्या दें। अब जैसे कि सैम पित्रोदा ऐसा लगता है कि वो भारतीय संस्कृति को नहीं समझते हैं, वैसे ही राहुल गांधी नहीं समझते हैं। पैदा तो यही हुए हैं, पैदा गुजराती हैं, यही पैदा हुए हैं। इनसेंसिटिविटी इसको समझते होते तो इस तरह की बातें नहीं करते। तो अगर इन बयानों को देखें तो ये तो साफ लगता है ना कि ना सैम पित्रोदा समझते हैं इस बात को, वो लगता है अमेरिकी, वहां जाके अमेरिकी हो गए हैं, और राहुल गांधी जो है अपना वो छोड़ नहीं पाए हैं जो कि वो विदेशों से पढ़ के आए या बाकी सब जो उनकी मतलब सारा माहौल रहा है उनके आसपास। नहीं, कांग्रेस में इनकी चलती है, मुझे कांग्रेस में चलती है नहीं चलती है, राहुल गांधी से अगर इनका इंटरेक्शन है और राहुल गांधी को सलाह देते हैं तो राहुल गांधी के जरिए तो चलती है ना। अच्छा एक चीज लोगों को ध्यान में रह जाए, आप बार बार कह रहे हैं अरे जो आदमी अपना नाम तक भारत वाला नहीं रख पाया उसको भारत से और भारतीयों से चिढ़ नहीं होगी? अपना नाम तक नहीं रख पाया, उस नाम से हम बुलाएं तो लोग कहते हैं कि हंसी मजाक हो गई। देखिए मैं तो सेम पित्रोदा को सेम के नाम से जानता था, तो हर्षवर्धन जी ने बताया कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा इनका नाम है। देखिए इसके नाम में सत्य भी है, नारायण भी है, गंगा भी है और राम भी है। वो इतने पवित्र नाम जिसके नाम में हो और वो इतनी अपवित्र और इतनी असत्य बातें करें, ये बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन देखिए वो राहुल गांधी के सलाहकार नहीं है, मुझे लगता है वो राहुल के दाई भी है। दाई जो होती है ना परिवार में, कि जब घर के बड़े बुजुर्ग व्यस्त हो जाते हैं तो बच्चों को परवरिश करने में दाई की बड़ी भूमिका होती है, उसको सिखाने में, पढ़ाने लिखाने में, घर में। बढ़िया। 1984 के अंदर जब 1984 में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो राहुल गांधी का स्कूल और प्रियंका गांधी 89 में तो इनका स्कूल जाना बंद कर दिया गया था, इनकी परवरिश घर में हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय सेम पित्रोदा लगातार परिवार से जुड़े रहे क्योंकि वो राहुल राजीव गांधी के बहुत क्लोज थे और वो घर पर आते थे और राहुल गांधी को खास तौर से वो शिक्षा देने का काम करते थे। तो राहुल गांधी का जो है व्यक्तित्व है वो सेम पित्रोदा का दिया हुआ है, पित्रोदा का दिया हुआ है, उनकी शिक्षा का आज परिणाम राहुल गांधी के रूप में दिख रहा है। तो राहुल गांधी के वो सलाहकार नहीं है, राहुल गांधी के वो दाई की भूमिका में रहे, अब दादा की भूमिका में भी है वो, कि सलाह देते होंगे राहुल गांधी को फोन पर कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और मुझे लग रहा है यही कारण रहा कि वो बार बार इस तरह का बयान देने के बाद भी कांग्रेस उनको कांग्रेस से निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रही है और कांग्रेस के वो वैचारिक गुरु बने हुए हैं। कांग्रेस को निकाल देना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। इतना कहने के बाद आपने मणिशंकर अय्यर को निकाला था ना, जब मणिशंकर अय्यर ने इस तरह का बयान दिया तो कैसे निकाल देंगे भाई, कैसे निकाल देंगे? राम मंदिर में गए नहीं, वो वही तो कह रहे हैं कि इस देश की सारी विविधता का दुश्मन ही राम और रामनवमी है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं जो लोग नारा लगाते हैं, असली बात तो आप उसको छोड़ ही दे रहे हैं। अभी तो वो कह रहे हैं कि रामनवमी, हनुमान, राम जी का मंदिर, ये सब इस देश की विविधता के दुश्मन। नहीं नहीं नहीं, यानी यहां से लेकर भगवान वेंकटेश से लेकर अयोध्या तक, देश के किसी हिस्से को अगर जोड़ा है तो वो राम ने जोड़ा है। और ये व्यक्ति कह रहा है कि इसकी वजह से हमारी विविधता को खतरा है। बिल्कुल, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अगर जाता है इस देश में हिंदू तो इसी वजह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये मूल तार जोड़ना चाहते हैं, भारतवर्ष का जो गर्भनाल जुड़ा हुआ है जो भारतीयों के साथ, उसको काटना चाहते हैं। ये वो सोच है जो बार बार दिखती है। चलिए सर, अब ये सैम पित्रोदा का क्या करना है ये कांग्रेस पार्टी देखे। इतना तो साफ है कि सैम पित्रोदा से कांग्रेस का कोई भला नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लियर है। बहुत गंभीरता से इसको लेने की जरूरत है। ये इस व्यक्ति ने वाकई जो अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि भारत की जो सोच है रामनवमी और राम मंदिर उसके खिलाफ है। आप सोच रहे हैं ये आदमी कितना जहरीला है और उस जहरीले बीच जो है राहुल गांधी तक आया है। चले, यही कारण है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम ताला लगवा देंगे, या हम ये राहुल गांधी ये कहते थे
कि यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रहे, इन सारी कड़ियों को एक साथ देख करके देखिए और तब ये देखिए कि ये क्या सोच, इस जहरीला सोच जो है कांग्रेस पार्टी के क्या लेना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन की बड़ी भूमिका रहती है जो राहुल गांधी विभिन्न यूनिवर्सिटी फॉरन यूनिवर्सिटीज में जाकर अपने भाषण देते हैं, ठीक है, उसमें इनकी बड़ी भूमिका है। अब देखिए आगे क्या, अभी तो फिलहाल कांग्रेस ने अपने आप को केवल इनके बयान से अलग किया है, इनसे अलग करेगी कि नहीं करेगी ये देखना होगा हमें।